हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद्या। आज हम ब्रेकफास्ट में बनाने वाले मेदू बड़ा बनाने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो मैंने मेदू बड़ा के लिए एक कप उड़द का दाल भिगा दिया था, 4 घंटे पहले पानी में भिगा दिया था, तो ये फूल के अभी ऐसा हो गया है। इसका पानी हमने झाड़ दिया है पूरा। तो अब इसको हम मिक्सर जार में डाल के पीस लेते हैं। ये पीस गई है, ये देखिए इस तरह से। थोड़ा सा दरदरा ही है, तो दरदरा ही होने चाहिए था। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसके तैयार हो गई है। अब इसको हम एक ही दिशा में ऐसे करके इसको फिटेंगे। कम से कम 10 मिनट तक हम इसको फिटेंगे। ये फेटने के बाद थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा। तब तक हम इसको फेट लेते हैं। ये देखिए दाल हमारा फेट के तैयार हो गया है। हमने 10 मिनट इसको फेट लिए हैं। अब इसको हम चेक करेंगे। तो हमने ये कटोरी में पानी ले लिया है और ये दाल का थोड़ा सा ऐसे उठा के हम इसमें डाल के देखेंगे। अगर ये ऊपर आ रहा है मतलब कि दाल हमारा फिट गया है। तो ये दाल देखिए पानी में ऊपर ही है, मतलब नीचे नहीं जा रहा है, तो दाल हमारी फिट गई है। इसी में हमने ये 2 छोटे छोटे प्याज थे मीडियम साइज के, इसको हमने काट लिया है। थोड़ा सा अदरक चॉप किया है, 1 मिर्ची चॉप कर लिया है, ऐसे धनिया पत्ती काट लिया है छोटे छोटे से, तो इसको भी डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून हमने जीरा पीस ले लिया है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो हम मिक्स कर लेते हैं, चटनी बना लेते हैं। उसके लिए हमने ये नारियल छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। मैं 2 हरी मिर्ची ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग तीखा कर सकते हो। थोड़ा सा अदरक है, 3-4 पीस लहसुन का, इतना धनिया डाल देंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें फ्राइड चना दाल डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के और जितना रिक्वायरमेंट हो पानी डाल के हम पीस लेंगे। थोड़ा सा इमली डालेंगे। तो ये हमारी नारियल की चटनी बन के तैयार हो गई है। अब इसके यहाँ इसमें हम तड़का लगा लेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब हमने नारियल का तेल लिया है। हमारा नारियल का तेल पिघल गया है, तो 1/2 टीस्पून हमने इसमें राई दाना डाल दिया है और 1 साबुत लाल मिर्च डाल दिया है, थोड़ा सी कड़ी पत्ता। तड़का हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे चटनी हमारी तैयार हो गई है। हम अपने बड़े बना लेते हैं। तो चाहे तो आप हाथ से ये पकौड़ी जैसे बना लो और चाहे तो जो ओरिजिनल बड़ा होता है वैसे बनाएंगे। तो 1 कटोरी हमने लिया है और 1 हैंकरचीफ लिया है। हैंकरचीफ में ये देखिए इस तरह से करके हमने ये नीचे ऐसे पकड़ लिया है और इसको हम ऐसे पानी से गीला कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। और जो हमने ये बना लिया दाल का पेस्ट बनाया है, इसको हम इस तरह से इस पे रख के, ये देखिए इस तरह से हमने इसका गोलाई बना दिया है। तो अब ये बीच में ऐसे हम होल कर देंगे और हाथ को पानी से गीला करके, देखिए हाथ में पानी ले लिया हमने इस तरह से, ये देखिए इस तरह से उठा लिया। गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल डाल के रख दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है, जैसा हमें गर्म चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं चाहिए। तो अब हम अपने ये बड़े जो है तेल में डाल के फ्राई कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ये बना लिया है तो गैस को हमने कम कर दिया है ताकि डालते समय छींटा ना पड़े। ऐसे धीरे से हम इसको ऐसे डाल देंगे। तो तेल हमें इतना ही गर्म चाहिए। देखिए हमारे कढ़ाई में 5 बड़े आए हैं, तो हमने 5 बना के डाल दिए हैं। अब ये अपने से ही जब नीचे से थोड़ा पक जा रहा है तो ऊपर आ जा रहा है, तो जो ऊपर आ गए हैं उसको हम पलट देते हैं इस तरीके से। और गैस को हमने स्लो टू मीडियम के बीच में रखा है, तो अगर इतना रखेंगे तो अच्छे से हमारे बड़े बन के तैयार हो जाएंगे। सारे हमारे ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, तो हम इसको उलट देते हैं। अब इसको पकने देते हैं, ब्राउन होने तक हम इसको पकने देंगे। ये देखिए हमारे बड़े जो है सारे गोल्डन ब्राउन कलर में आ गए हैं। तब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी पे हम रोक के रखेंगे तो तेल हमारे जो एक्स्ट्रा तेल है वो झड़ जाएंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे बड़े बना लेंगे।
हमारा मेदू बड़ा नारियल की चटनी बनके तैयार हो गई है। आप लोग भी अपने घरों में ट्राई करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा बना है। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।